हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लव विथ मी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको फ्रेंड्स, हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है और एक अच्छा सा स्किन पाना चाहता है, साफ़ सुथरा। और आजकल हमारे स्किन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है जिसे हमारे फेस पे दाग धब्बे कील मुहासे होने लगते हैं। तो इसी को दूर करने के लिए मैं आपके साथ एक DIY करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं एक चम्मच बेसन लूँगी। ब्लीचिंग का काम करता है और साथ में एंटी एजिंग का भी काम करता है। यह मेरे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैं एक चम्मच तुलसी और ऑरेंज पील पाउडर लूँगी। तुलसी हमारे स्किन को बहुत ही कूल करता है और साथ ही ऑरेंज पील पाउडर हमारे फेस को इवन करता है और दाग धब्बे को दूर करने में हमारी सहायता करता है। अब मैं एक चम्मच दही लूँगी। दही हमारे फेस के कील मुहासों को दूर करता है, क्लींजिंग करता है, साथ ही ये हमारे फेस को हाइड्रेट करता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा शहद लूँगी। शहद हमारे स्किन को सिल्की स्मूथ और शाइनी करता है। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो पे बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप भी उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से पैक लगाकर ट्राई करिए। ट्रस्ट में ये बहुत ही अच्छा है और जल्द ही रिजल्ट देता है और हमारे स्किन में ग्लो भी देता है। साथ ही ये हमारे स्किन में जो भी डलनेस रहता है, झाइयाँ झुर्रियाँ रहती है, उसे दूर करता है। हाँ फ्रेंड्स, देखिए इस प्रकार की हमें कंसिस्टेंसी करना है। और आप इसे फेस वॉश करके इसे अपने फिंगर टिप्स के सहारे या फिर ब्रश के सहारे आप अपने फेस पे लगा लीजिए और इसे 15 मिनट तक अपने फेस पे छोड़ दीजिए। 15 मिनट बाद अपने फेस को धीरे हल्का सा पानी डैप कर इसे रब करिए और फिर अपना फेस वॉश कर लीजिए और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। सो थैंक यू।